आगामी होली पर्व और चुनाव को लेकर भोजपुर पुलिस की टीम काफ़ी सख्त है। भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने सख्त हिदायत दी है कि अगर आगामी होली पर्व त्यौहार में अश्लील गाना बजाते हैं या गाते हैं या अन्य अपुष्ट सूचना फैलाते हैं तो आप पर निश्चित कार्रवाई होगी। वहीं आगामी चुनाव के मद्देनज़र शराब और मादक पदार्थ के खिलाफ भोजपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसपी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में भोजपुर पुलिस की टीम ने रणनीति तैयार कर ली है कि किस तरह से होली में हुड़दंगियों से निपटना है और आगामी चुनाव को लेकर असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखनी है। आइए सुनते हैं भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने क्या कुछ कहा। आप लोगों के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ और साथ में सभी भोजपुर वासियों से अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि आगामी जो होली का पर्व आने वाला है, ये निश्चित ही जो हर्षोल्लास और रंगों का त्यौहार है, इसको रंगों के त्यौहार को जो खुशियों के साथ मनाएं, न कि जो है कोई ऐसी चीज़ें करें कि जिससे रंग में भंग पड़े। और इसके तहत सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सामाजिक जो सौहार्द है, सामाजिक जो प्रेम भाव है, उसको जो है बाधा पहुंचाने वाले खास करके जो अश्लील गाने हैं, जिसकी वजह से जो है न सिर्फ जो है एक सभ्य समाज के लिए ये उचित नहीं होता है, बल्कि कई बार आपस में कई टोले मोहल्ले में आपस में वैमनस्यता बढ़ती है और उसकी वजह से जो विधि व्यवस्था की भी समस्या, अपराध की भी घटना होती है। आप लोगों ने पूर्व में भी देखा होगा, एक ऐसे अश्लील गाना लास्ट ईयर बनाया गया था एक गायक के द्वारा, जिसपे मैंने प्राथमिकी भी दर्ज किया था आई टी एक्ट में और कार्रवाई की गई, और ये अलग बात है कि बाद में वो बेल कराते हुए फिर से वो अपना गाना गाने लगे। लेकिन मैं इसके साथ ही जो भोजपुरी गायक भी हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार के कोई भी गाना गाने से बचें, जिससे कि जो है समाज में जो है वैमनस्य फले और विधि व्यवस्था या अपराधिक घटनाएँ घटे। और आप लोग जो है बहुत सारे गाने अच्छे हैं, अच्छे गाने गाए जा सकते हैं, लेकिन मैं भोजपुर पुलिस की तरफ से अश्योर करना चाहूँगा कि हम लोगों का जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम है, ये लगातार ऐसी चीज़ों को मॉनिटर करती रहती है, चाहे समाज में वैमनस्यता फैलाने वाली चीज़ हो या कम्युनल टाइप की चीज़ें हों या किसी भी प्रकार के अफवाह फैलाने वाली जो भी चीज़ें हैं, उसको अभी चुनाव को देखते हुए भी हम लोग लगातार बहुत टाइट मॉनिटरिंग हो रही है, और जो भी ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने कुछ जो है स्वार्थ पैसे की लालच में जो है पूरे समाज में सौहार्द को बिगाड़े, उसके खिलाफ जो संबंधित धाराएं होंगी उसमें त्वरित और स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। सर, होली को लेकर मादक पदार्थों की बिक्री तेज हो जाती है, तो ऐसे में भोजपुर पुलिस की क्या रणनीति होगी? देखिए, मेरी रणनीति अभी दो तरीके से है। एक तो रणनीति यह है कि अभी हमारे जो आगामी चुनाव है उसको देखते हुए हमारे पास CAPF जो बल प्राप्त हुए हैं उसके माध्यम से हम लोग जहाँ भी कोई हॉटस्पॉट स्थल है मादक पदार्थों के या तो अवैध शराब के, वहाँ भी हम लोग लगातार दिन के साथ साथ रात्रि में भी छापामारी कर रहे हैं और ये आगे और बल प्राप्त होने वाले हैं, ये छापामारी और बढ़ेगी। और इसके साथ ही हम लोग जो अभी अगर आप देखेंगे कल 11 तारीख से लेकर 13 तारीख आज तक जो है भोजपुर पुलिस का जो है अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, और यह अभियान लगातार बीच बीच में विशेष संकालीन अभियान के रूप में भी चलेगा और साथ में प्रतिदिन सभी थानाध्यक्ष को जो इसकी जो है सूचना दी जाती है और आम पब्लिक से भी हमें जो सूचना प्राप्त होती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। और हम लोग विशेष तौर पर ज़्यादा अलर्ट इसलिए हैं कि खास करके जो देसी शराब है या स्पिरिट वगैरह होता है, जो जहरीली शराब की बातें होती हैं कई बार, ये सब चीज़ें नहीं होने पाए और इसके जो भी तस्कर हैं उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ़ न सिर्फ 107 की कार्रवाई बल्कि अन्य जो विधि कार्रवाई करते हुए इस सब मामले को हम लोग जो है पूरी कड़ाई करेंगे। और अभी हमारे दियारा क्षेत्र में भी फोर्स जो हम लोग वहाँ गाड़ियाँ एक्स्ट्रा मिल गई हैं, अभी वहाँ हम लोग मूवमेंट बढ़ा दिए हैं। साथ में जो है 6 हमारे चेक पोस्ट जो है बलिया बॉर्डर से भी चालू हो रहे हैं और उस 6 चेक पोस्ट से भी हम लोग जो है गंगा के क्षेत्र में और खास करके बलिया या जो उधर उत्तर प्रदेश से आने वाले जो अवैध शराब है उस पर लगाम लगाएंगे और भोजपुर पुलिस लगातार जो है अवैध मादक पदार्थ, अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई आगे जारी रखेगी।